बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब पश्चिम की ओर बढ़ चुका है और ये अगले कुछ घंटों में कमजोर होकर एक निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। इस बदलाव के चलते मध्य प्रदेश में 19 सितंबर से बारिश में कमी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आज भी मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पांडूरना और अनूपपुर में धूप खिलने की संभावना है। आईएमडी भोपाल के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीएस यादव के अनुसार ये डिप्रेशन झारखंड और छत्तीसगढ़ के पास है और इसके साथ एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इसी वजह से पिछले 24 घंटों में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर संभाग के अधिकांश जिलों में आंधी और बारिश देखी गई। हालांकि बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर जिलों में बारिश की कमी रही है। भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। वर्तमान में जो डिप्रेशन है नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़ से लगे हुए झारखंड के एरिए में और एक साइज से बना उससे ट्रफलाइन की जा रही है। इस वजह से जो पिछले 24 घंटे में खाली सबसे अधिक रेनफॉल जो दर्ज की गई वो 340 दर्ज की गई है। उसके हिसाब से जो पूर्वानुमान किया गया है उसमें 15 जिलों में वेरी हाई रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया वो नॉर्थ ईस्ट एरिए में नॉर्थ ईस्ट की है। उसके अलावा 25 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया। वर्षा मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 33 घंटों में रीवा ने सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया है। सोमवार सुबह 8:30 बजे से मंगलवार शाम 5:30 बजे तक रीवा में 158.6 मिमी बारिश हुई, जबकि जबलपुर में 111.4 मिमी, सतना में 97 मिमी, सीधी में 96 मिमी और मंडला में 48.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दमोह, उमरिया, नरसिंहपुर, खजुराहो, मालंजखंड, ग्वालियर और सिवनी में भी 1 से 1.5 इंच तक बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें शिवपुरी, भिंड, मुरैना और श्योपुरकला शामिल हैं। साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, विदिशा, सतना, सागर, रायसेन, खंडवा, खरगोन सहित प्रदेश के 44 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।